मुंगेली जिले के सालहे घोरी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने भारी संख्या में सालहे घोरी लूरमी मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। छात्र छात्राओं के चक्का जाम की खबर सुनकर अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्र छात्राओं ने बताया कि स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी होने के चलते उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। साथ ही बच्चों ने प्रभारी प्राचार्य सिद्धराम भास्कर को भी हटाने की मांग की है। बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर कई आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रभारी प्राचार्य समय पर स्कूल नहीं पहुंचते हैं और ना ही कक्षाएं ठीक से लेते हैं। छात्रों ने बताया कि स्कूल में पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 ही शिक्षक हैं और उनमें से भी एक अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इसी के साथ बच्चों ने सफाई कर्मी महिला शिक्षक के साथ प्रभारी शिक्षक को हटाए जाने की मांग की है। के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? प्रशासन के द्वारा जो वहाँ का प्रभारी प्राचार्य है जो स्वयं वहाँ से हटना चाहते हैं उसको हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। और दूसरा एक और मांग थी वहाँ की सफाई कर्मचारी, तो शाला प्रबंधक समिति को ये निर्देशित किया गया कि आप अपने जो शाला विकास फंड से उससे क्या है